कोरोना से जंग जीतकर लौटे टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी और वृद्ध तबला वादक उम्मीद खान ने लोगों से कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण काल में आपकी जरा सी चूक आपको कोरोना पॉजिटिव बना सकती है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे टीकमगढ़ विधायक रमेश गिरी और शहर के जाने माने वयोवृद्ध तबला वादक मास्टर उम्मीद खान साहब ने लोगों को बताया कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन कर हम कोरोना से जीत सकते हैं। इन दोनों ने बताया कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की चूक इन लोगों से हुई थी, जिसके कारण इन्हें कोरोना हुआ। अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह समय तीज त्योहारों का है और बाजार में जमकर भीड़ है। ऐसे में संक्रमण फैलने की अधिक संभावना है। इन दोनों ने कहा कि अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर कोरोना से बचाव करें। इन दोनों ने बताया कि लोगों से मिलने के दौरान इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की चूक हुई थी, जिस कारण इनका पूरा परिवार संक्रमित हुआ और इन्हें भोपाल जाकर इलाज कराना पड़ा। टीकमगढ़ की प्रिय जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो आगामी त्यौहार है गणेश चतुर्थी और रंग और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है, वो जनता से कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें, सैनिटाइज हमेशा करते रहें, हमेशा हाथों को धोते रहें, अधिक से अधिक सफाई का ध्यान रखें। क्योंकि जो भी त्यौहार आने वाले हैं उसमें अधिक से अधिक भीड़ होगी, कई जगह धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ भी भारी संख्या में भीड़ एकत्र हो रही है। मेरी जनता से यही अपील है, सोशल डिस्टेंस का, मास्क लगाने का पालन जरूर करें, क्योंकि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा भी सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग नहीं किया। इसका परिणाम मैं और मेरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से टीकमगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मैं कोरोना की जंग जीतकर आज जनता के बीच में हूँ। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, कोरोना जैसी इस महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस का उपयोग करें। हम ये देना चाहते कि मास्क अपने चेहरे पर लगाना चाहिए और अपना ख्याल अपने आप ऊपर रखने की ज़रूरत है। हमें अपना एहतियात बरतना चाहिए, हमको अपने लिए जो कुछ भी हो अपनी स्वास्थ्य के लिए रक्षा करना चाहिए, यही हमारी बात है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।